मैं राजेंद्र किलना के बात कर रहा हूँ। मैं पेरूबाग पासपोली में रहता हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरे पीछे जो खड़े हैं पेरूबाग के सारे रहवासी है, आदिवासी लोग हैं। यहाँ से 2007 से आईआईटी ने एक एमओयू बनाया, जो एमएमआरडी के लिए बनाया, कि जो जोगेश्वरी लिंक रोड वहाँ से जाएगा, उसके बदले हमारे पीछे बाजू जो 5 किलोमीटर के अंदर के पीछे बाजू आईआईटी के में झोपड़े हैं, वो झोपड़पट्टी उन लोगों को रिहैबिलिटेशन करने के लिए एमएमआरडी और आईआईटी ने आपस में करारनामा किया। उस करारनामा के तहत में इन्होंने जो सर्वे किया, जो किया वो बोगस सर्वे किया। वो कलेक्टर का सर्वे है, फाइल लिखा वो कलेक्टर का सर्वे है। वो कलेक्टर का सर्वे जो है, यहाँ पे जो आदिवासी लोग जो थे उनली 240-245 ही लोग थे, उसमें से 433 ये लोग का सर्वे इन्होंने किया है, जो इस सर्वे को मूल आदिवासी लोग नहीं चाहते हैं कि ये सब बाहर के लोग आके भरे हुए हैं और ये बाहर के लोग यहाँ से आए हुए हैं। वाड़ा, विरार, जवार व पूरे बॉम्बे के उपनगर के लोग यहाँ से भरे हुए हैं। दूसरा मैं डॉक्यूमेंट ये दिखाना चाहता हूँ, ये डॉक्यूमेंट पेपर ये है कि यहाँ से जो हम लोग ने इन लोगों का, ये लोग कहाँ कहाँ से आया, ये मेरे पास 250 से 300 लोगों का एक प्रूफ है, जो इलेक्शन आईडी है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड के नंबर जो ऑनलाइन से निकाला हुआ है। ये टोटल फर्जी लोग है, जो हमारे यहाँ के कोई लोग ये कलेक्टर के यहाँ से नहीं है। इन लोगों ने कुर्ला में मीरा रोड में शिफ्टिंग ले चुका है। जो आदिवासी मूल आदिवासी है वो यहाँ पे रह चुके हैं। मूल आदिवासी को घर देने के लिए इन लोगों ने कोई ये किया हुआ नहीं। हमारा जो चक्टर्स जो है, हमारा जो झोपड़पट्टी है, 1964 में से हम लोगों का भू संपादन होने के पहले का हमारे पास में इतना बड़ा सीट है, जो डॉक्यूमेंट पेपर्स है, जो सर डॉक्यूमेंट बाद में ले लेंगे आप, डॉक्यूमेंट सब बाद में लीजिए। क्या है ये हमारे पूरे टक्चर्स के मुताबिक रेवनी कोड, रेवनी रिकॉर्ड में हमारा डॉक्यूमेंट पेपर का नोंद है। उसके बावजूद भी हम लोग जो सल्लू कुरैशी हो गया, संतोष दोड़े हो गया, नाडू हो गया, आदिवासी लोगों ने बहुत सारी कंप्लेंट किए, तकरार किए, कोई सुनवाई हुई नहीं है। उसके बाद में इन्होंने शिफ्टिंग करते समय इन लोगों ने ऐसा ये कहा कि तुमको एक ऐसे डॉक्यूमेंट पेपर दिखाना चाहता हूँ। ये जो है, ये जो लोग हैं, इन लोग हजार रुपए में आईआईटी और एमएमआरडी घुगे, मिस्टर घुगे, मिस्टर मोहिते और मिस्टर मते, आईआईटी के ऑफिसर लोग, ये हजार रुपए के लिए ये लोग मानखूर वहां से 12 से हम लोगों ने पकड़ के इन लोगों को सुपरद किया था। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया था, पुलिस स्टेशन ने भी इंक्वायरी करने का ये किया। ये पुलिस स्टेशन का एफआईआर है, सारी चीज है। मीडिया वाले को हम लोग ये विनंती करते हैं कि भाई हमारा न्याय निवाड़ा करो, कुछ करो, लेकिन इन लोग कुछ हमारा ये किया नहीं। उसके बावजूद भी ये 35 से 40 आधार कार्ड है, ये बोगस है। ये वाड़ा, विरार, जवार के रहवासी लोग है, यहाँ पे शिफ्टिंग लेके चो चुके हैं। एमएमआरडी को जब हम लोग सवाल पूछते हैं तो ये बोलते हैं एमयूडीपी के आधारित में हम लोगों का, हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते। मेरा कहना यह है, जिस टाइम कलेक्टर ने सर्वे किया था, वो सर्वे के टाइम पे इन लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जो भी एक्स वाई जेड है, ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं इन्होंने चेक किया, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, आज हम लोग वहाँ रहने के बावजूद भी आज हमको ये 5 सितंबर की ये नोटिस है, पांच मार्च की नोटिस है, ये आप देख सकते हो। कल ये पुलिस बढ़ के साथ में, पुलिस के साथ में एमएमआरडी का कोई अधिकारी नहीं था, लेकिन आईआईडी की फोर्स, पुलिस स्टेशन की फोर्स, ये सारे फोर्स लेके आके इन सारे आदिवासी लोगों के घर के ऊपर जबरदस्ती से घर में से खींच खाच करके नोटिस लगा दिया। ये 5 मार्च की नोटिस है, 5 मार्च की नोटिस आज 27 मई है, 28 मई है, और इनमें ये लिखा हुआ है 10 दिन का मोहलत दिया हुआ है। आप ये सोचो, आपको ये जानकारी दे दो कि 10 दिन इनको कहाँ से मिलेगा, कैसा मिलेगा। हम लोग मूल आदिवासी है, आदिवासी होने के बावजूद भी ये लोग आदिवासी के ऊपर अन्याय, अत्याचार कर रहे। हम लोगों की इतनी मांग है कि हम लोगों को पूछताछ करे, हम लोगों को साथ विश्वास में ले ले,
और हम लोगों को वर्ल्ड बैंक के नियम से जो सर्कुलर है, तो 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के अंदर का जो पुनर्वसन का अधिकार है वो हमारे आदिवासी लोगों को मिले। हम लोग यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। कल मैं ऑफिसर के पाँव पड़ा, फिर भी उन्होंने, पुलिस ऑफिसर ने झटका दिया, धक्का बुक्की किया। आपको मैं वो वीडियो क्लिप आप सभी चैनल वाले को दे देता हूँ। यहाँ पे वो एजेंट लोग बड़े हुए हैं जो राजन है, शिवराम है, वो और एक पोपट तिवारी है, और वो क्या नाम है उसका, और भी दो चार लोग हैं जो मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं। हाँ, हमारी मांग यही है कि हमको हमारा न्याय निवाड़ा हुए, हम लोगों को पूछताछ करे, हम लोगों के जहाँ हमारा रोजी रोटी रहे, जहाँ हमारे ऊपर छत रहे, जहाँ हमको वहां से कोई सुविधा से वंचित ना हुए, ऐसे जगह हम लोग शिफ्टिंग लेने के लिए तैयार है। लेकिन MMRDA प्रशासन हमारी कोई बात ना सुन रहे, IIT कोई बात ना सुन रहे। हम लोगों का यही कहना है कि 3 किलोमीटर के और 5 किलोमीटर के अंदर हम लोगों को पुनर्वसन दे दीजिए। हम लोगों का कोई ऐतराज नहीं है और ये न्याय निवाड़ा जांच जल्दी होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है, 7 दिन के अंदर का ये नोटिस अगर ये कैंसिल नहीं करती है, तो हम लोग पूरे परिवार के साथ आदिवासी लोग पूरा विहार तालाब के अंदर आत्मदहन करेगा। ये मीडिया के सामने बोल रहा है, बात सही है क्या नहीं है? तुम लोग सब सब सही है, आम्ही सगळे जण विहार तलाव मध्ये यांना प्रशासनाला न सांगता आम्ही तिथे पूरा कुटुंब बायका मुला सहित हम लोग वहां पे आत्महत्या आत्मदहन करेंगे। इसका जवाबदार मिस्टर घुगे रहेगा, इसका जवाबदार मते रहेगा, इसका जवाबदार मोहिते रहेगा, और इसका जवाबदार हमारी स्थानीय पुलिस स्टेशन भी रहेगी। ये हमारा नोटिस बड़ जबरी से लगा हुआ है, हमको मान्य नहीं है। इसके बाद में हम लोग बहुत ही जल्दी आंदोलन तीव्र करेंगे और मीडिया से मेरी यही विनंती है कि यह हमारा आवाज, आदिवासियों का आवाज, हमारी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी नहीं सुनाई दे रही है। प्रशासन मोदी जी के पास तक सुनाए जाना चाहिए। और सारी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया के द्वार से, सभी लोग जितना भी NGO है, संस्था है, सब लोग हमारे पास में हमको सपोर्ट करे, हमारे को सहायता दे, हमारी मजबूरी का ये जैसा फायदा उठा रहे, इनकी ये जो गुलामगिरी है, हमको न्याय निवाड़ा मिलने की हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही, यही हम लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। सिंधे सरकार के पास में हम लोग जो गए थे, उनके जो कुछ काम है, मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन मंत्री लोगों का भी यहाँ पे हाथ पकड़ा हुआ है। उन मंत्री लोगों ने भी यहाँ पे 4G भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहित किया हुआ है। वक्त आने पे मैं तुम उन लोगों को मीडिया के पास में लेटर दे दूंगा किन किन मंत्रियों लोगों के हाथ है इसमें। पण ते आता आम्हाला टाळाटाळ करतात आहेत की बोलतात आहे आता आम्ही इथे गेलो तिथे गेलो, नाही आहोत, आमचं काहीच इथे ऐकून घेत नाही आहेत, आणि आम्ही घरात नसताना येऊन नोटीस लावून जातात, आणि ज्या घरात बायका आहेत त्यांना घराच्या बाहेर काढून पोलीस फोर्स आणतात तिकडनं, आणि घराच्या बाहेर काढून जबरदस्ती नोटीस लावतात आहेत, तर आमच्यावर अत्याचार करतात आहेत, तर तुम्ही आम्हाला न्याय मिळवून द्या। आमच्या सगळ्या आदिवासी बायकांचा सगळ्यांचा निर्णय आहे की तुम्ही आम्हाला न्याय मिळवून द्या। अभी तक MMRDA ने इस पर कुछ एक्शन नहीं ली। ये इधर के अधिकारी पूरे मिले ले, मोहिते और गोगे साहब, और IIT के अधिकारी मते और अव्वल साहब, और पवई पुलिस स्टेशन के लोग सुनवाई नहीं करते। अभी इससे पहले मैं यहाँ पे कंप्लेंट डालने आया था तो मेरे पर अटैक हुआ। MMRDA के लोग बोलते कि एलिगेशन मार रही है, ये बांद्रा पुलिस स्टेशन की NC है राजन के नाम पे, राजन सावन और शिवराम सुतार। जो मैंने पहले एक IIT डालने आया था, लोग पहली खबर देते थे कि IIT डालने आए हैं, क्योंकि मेरे पास पूरा इन लोगों का भ्रष्ट अधिकारी लोग का रिकॉर्ड आ चुका है, और मैंने बहुत कंप्लेंट किया और मेरे पास जान से मारने की भी धमकी आई, और यहाँ 2 बार अटैक हुआ मेरा MMRDA के सामने पार्किंग के अंदर। ये 2 तारीख की NC है, इसमें तारीख डेट है। आदिवासींना न्याय मिळालाच पाहिजे।